हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो वो स्टॉक ये है दोस्तों, जिसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है, JHS। ठीक है, अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है दोस्तों, 10.95, अराउंड 11 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसी कंपनी को अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो दम भर खरीदना है। ठीक है, चाहे जो भी हो, क्या करना है, दम भर खरीदना है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी दोस्तों कभी कभी मिलती है जिसमें आपको अच्छा मूवमेंट मिले और प्राइस भी कम रहे। ठीक है, तो चलिए इस कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ बता भी देता हूँ दोस्तों, ये इस कंपनी किस चीज़ में इंगेज है। तो दोस्तों ये कंपनी जो है पतंजलि जैसे कंपनी को ये अपना प्रोडक्ट बना के सप्लाई करती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि टूथपेस्ट, दंत मंजन, जो भी होता है छोटे छोटे दोस्तों, ये प्रोडक्ट जो है FMGC आपको प्रोवाइड करती है पतंजलि के साथ। और आपको पता ही होगा दोस्तों कि पतंजलि का जो मार्केट कैप है और क्या उसका फैसिलिटीज़ है, उसका जो बिजनेस मॉडल है वो भी आपको पता होगा। तो दोस्तों ये कंपनी उसके साथ जुड़ रही है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी का प्राइस 30 रुपीज़ से 10 रुपीज़ हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो चुका है। तो देख सकते हो दोस्तों, कंपनी जो है बहुत ऊपर से करेक्ट हो चुकी है, और अभी जो इसका लेवल चल रहा है दोस्तों, 11 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। ये हो सकता है 12 रुपीज़ के आसपास जाए दोस्तों, 12.50 के आसपास। आपको देखिए, ये स्टॉक को खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना। आपको अगर मिलता है पोजिशन बनाने का टाइम मिलता है आज या कल में, तो थोड़ा बहुत इसमें जो अपर सर्किट देखा जाएगा उसका आप एडवांटेज ले लीजिएगा। ठीक है, आप ऐसा मत कीजिएगा कि अपने पोर्टफोलियो में रख के लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको पहले भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, अभी जो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 11 रुपीज़ के आसपास है, इसमें दोस्तों 10-20% का तेजी आ सकता है, जिसमें आप अगर आपके हाथ में मिलता है तो आप इसमें से एडवांटेज जरूर ले लीजिएगा। और अगर हम कंपनी को टेक्निकली देखते हैं दोस्तों, अगर कंपनी को हम टेक्निकली देखते हैं तो देखिए, पहले तो बहुत ज़्यादा बेरिश था, लेकिन अभी दोस्तों बुलिश होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, अभी थोड़ा बुलिश होना स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा भी नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको पोजिशन बनाने का, तो बना के प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा स्टॉक था दोस्तों जो न्यूज़ बेस्ड पे था, अगर हाथ में आता है तो प्रॉफिट बहुत अच्छा बन जाएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। आपको बस देख लेना है क्या सही है क्या गलत है, पेपर ट्रेड भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको जो है फिजिकली पैसा डाल के ही करना है मार्केट में। ठीक है, आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, जिससे आपको अनुभव हो जाएगा कि ऐसे कंपनी में कैसे पैसा बनता है और क्या मैंने जो एनालिसिस किया है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, और मार्केट ओपन होने वाला है तो वीडियो को अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, 8:50 हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।